बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल की मदद से दो अंकों की संख्या बनाना सीखेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में आपने 10 के समूह पर से संख्या बनाना सीखा था। हाँ मैम। आप सबको कितना याद रहा है वह कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखो, यहाँ एक अबेकस दिया गया है, उसे देखकर आपको संख्या बनानी है। लिली, तुम बनाओ। यहाँ दिए गए अबेकस में दहाई, टेंस के बॉक्स में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात मोती, 7 बीट्स है, इसलिए दहाई के बॉक्स में 7 लिखना है। वेरी गुड। अब अबेकस में इकाई, वंस के बॉक्स में एक, दो और तीन मोती यानी 3 बीट्स है, इसलिए इकाई के बॉक्स में 3 लिखना है। शाबाश। अब यहाँ दहाई के बॉक्स में 7 10 यानी 70 और इकाई के बॉक्स में 3 यानी 3 वंस है, इसलिए 70 और 3 जोड़कर 73 संख्या बनती है। बिल्कुल सही। अब 73 को दो हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? 73 यानी 7 दहाई और 3 इकाई, मतलब उसके दो हिस्से 70 और 3 होंगे। शाबाश। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बिली, देखो यहाँ एक छोटे ब्लॉक के बराबर एक गिन्ना है। अब बताओ कि ये सारे ब्लॉक्स कौन सी संख्या दर्शाती है? यहाँ पहले बड़े ब्लॉक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 छोटे ब्लॉक यानी 1 10 हुए। शाबाश बिली। ऐसे ही 10 10 ब्लॉक के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समूह है, तो 6 10 यानी 60 है। अब दो छोटे ब्लॉक यानी 2 वंस है। बहुत अच्छा। अब 60 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 60 और 2 62 संख्या बनती है। अब 62 को दो हिस्सों में कैसे तोड़ोगे? 62 यानी 6 दहाई और 2 इकाई, मतलब उसके दो हिस्से 60 और 2 होंगे। बिल्कुल सही बिली। बच्चों, आपने अबेकस और ब्लॉक्स के मदद से लिली बिली को दो अंकों की संख्या को बनाते देखा। अगली वीडियो में 10 के बंडल की मदद से दो अंकों की संख्या बनाने के कुछ दिलचस्प तथ्य के बारे में समझेंगे।